Hello everyone, welcome to another tutorial, and in this lesson we will be learning the intro riff of the song Ambar Sariya. तो इस riff में बहुत सारी ऐसी techniques हैं which will really help your guitar playing. तो जैसे हम इसमें bar chords use कर रहे हैं, E minor, D, A minor, B minor, and then जो strumming pattern है वो भी थोड़ा fast है, ठीक है, and there is lot of muting going on. So, the muting technique है, जो strumming है, जो chords है, will go into a lot more detail. So, yeah, that's what we will be doing in this lesson. I will break this tutorial into two sections. जो पहला section है, उसमें I will discuss the strumming pattern, the chords, and थोड़ा muting वगैरह कैसे करना है, right? And जो second section है, उसमें I will discuss कि how to really make this riff sound alive. तो I will give you some tips and tricks जो second section में आएगा, and if you are enjoying these tutorials, feel free to subscribe, share the video with your friends, because मैं और tutorials upload करता रहूँगा. तो that being said, let's zoom into the guitar. ये जो song है, इसमें strumming pattern is everything. If you can nail the strumming pattern, and आपको bar chords बजाने की थोड़ी practice है, you will get the song in no time. तो while I discuss the strumming pattern with you, I will also tell you the chords. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वील प्ले द ई माइनर बार कॉर्ड. आई होप यू आर फेमिलियर विद बार कॉर्ड्स. इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद बार कॉर्ड्स, यू कैन लर्न बार कॉर्ड्स फर्स्ट, देन कम बैक एंड लर्न दिस रिफ, बिकॉज विदाउट लर्निंग बार कॉर्ड्स ये सॉन्ग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो देर आर फोर कॉर्ड्स, ई माइनर, डी, ए माइनर, B minor. I will show it again. E minor, D, A minor, B minor. सारे के सारे bar chords हैं, okay? Now, एक चीज याद रखना, जो strumming pattern हम E minor और D chords में use करेंगे, exactly the same strumming pattern हम A minor और B minor में use करेंगे. तो think of it like this, E minor and D chords together form one part of the song, and A minor and B minor form another part of the riff. ठीक है, so I'll give an example. This is the first part, and the second part is okay. तो यदि आपने strumming pattern सीख लिया है E minor chord पे और D पे, then exactly the same strumming pattern है A minor पे और B minor पे भी. यदि मैं कॉर्ड ना बजाऊं विदाउट प्लेइंग द कॉर्ड, इट विल साउंड लाइक दिस. ठीक है, अब जो ट्रिक है यहां पे आती है. तो जब डाउन डाउन अप डाउन अप है, उसमें हम डाउन पे ई माइनर बजाएंगे, राइट, देन जब हम नेक्स्ट डाउन प्ले करेंगे तो वो हम म्यूटेड प्ले करेंगे. ओके, ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारी लेफ्ट हैंड म्यूटिंग हो रही है. सो हम फर्स्ट डाउन पे हमने ई माइनर बजाया, देन म्यूट, देन जब हम अपस्ट्रोक मारेंगे तो ई माइनर प्ले करेंगे, एंड देन म्यूट डाउन, देन एक और अप म्यूट. सो आई विल प्ले अगेन. तो जो पहला डाउन है उसमें आई एम प्रेसिंग द कॉर्ड, ठीक है, एंड जो पहला अप है उसमें भी आई एम प्रेसिंग द कॉर्ड. बाकी टाइम मैंने बस उंगली रखी हुई है, बट इट्स म्यूटेड. तो ये जो म्यूटिंग है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिफ. अगेन, एंड मैं इसको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज दिस इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ द सॉन्ग, कि म्यूटिंग कब करनी है एंड कॉर्ड कब प्ले करनी है. तो ई माइनर पे एक और बार. ओके, नाउ वी विल गो टू डी. We will do the same strumming pattern जो हमने E minor में किया था, ठीक है, E minor पे, then D, ठीक है, एकदम same strumming pattern. And जो muting है वो भी exactly same है, E minor पे,
डी। नाउ जब हमने डी पे ये वाला पैटर्न बजाया, देन आखिरी में हम दो बार डाउन स्ट्रोक मारेंगे डी पे। रिमेंबर कब म्यूट करना है एंड कब प्रेस करना है। एंड यदि आपको स्ट्रमिंग पैटर्न में प्रॉब्लम हो रही है तो विदाउट प्लेइंग द कॉर्ड्स जस्ट प्ले द स्ट्रमिंग पैटर्न। जो सेकेंड पार्ट है ए माइनर और बी माइनर वाला, वो आइडेंटिकल है, सेम स्ट्रमिंग पैटर्न, सेम म्यूटिंग का जो भी टेक्निक है, ठीक है। नाउ आई विल मूव ऑन टू सेक्शन टू, एंड जो सेक्शन टू है उसमें आई विल डिस्कस कि हाउ टू मेक दिस रिफ साउंड रियली प्रोफेशनल। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप। जो फर्स्ट टिप है वो ये है कि हम ई माइनर कॉर्ड बजा रहे हैं एंड डी कॉर्ड बजा रहे हैं, राइट? तो मेक श्योर योर इंडेक्स फिंगर इज टचिंग द सिक्स्थ स्ट्रिंग, ताकि ये म्यूटेड हो, ठीक है? इसको म्यूट करना जरूरी है, ओके? ये म्यूटेड साउंड होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम डी बजा रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो रिंगिंग, तो बहुत मडी साउंड करता है, डजंट साउंड गुड, है ना? इट शुड साउंड क्लीन। इफ आई डोंट म्यूट दिस विथ माई इंडेक्स फिंगर, देन इट विल साउंड लाइक दिस। कुछ खास नहीं, इट्स वेरी मडी, ओके? लेट्स म्यूट दिस। लाइटली टच करना है बस, ओके? ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज यदि आप म्यूट नहीं करेंगे तो ये स्ट्रिंग हमेशा रिंग करेगी। सो दिस इज हाउ इट विल साउंड विदाउट म्यूटिंग। ये रिंग कर रही है अभी भी, वी डोंट वॉन्ट दिस रिंगिंग, वी वॉन्ट टू म्यूट। यदि हम क्लोजअप एंगल में देखें इसको, तो ये जो इंडेक्स फिंगर है, इट इज वेरी लाइटली टचिंग द टॉप स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, ओके? दिस इज म्यूटेड। यहां पे भी इट इज म्यूटेड। इफ यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ म्यूटिंग, तो रिफ विल नॉट साउंड दैट क्रिस्प, है ना? वो पीछे हमेशा ई स्ट्रिंग बचती रहेगी, समथिंग लाइक दिस। दिस इज रिंगिंग आउट फॉर नो रीजन। जो सेकेंड टिप है, दैट इज रिगार्डिंग द टू डाउन स्ट्रोक्स। तो हम यहां पे डाउन स्ट्रोक्स मारते, राइट? ये जो दो डाउन स्ट्रोक मारता हूं, तो ये जो दो डाउन स्ट्रोक्स हैं, उन डाउन स्ट्रोक्स को थोड़ा सा पावरफुली हिट कीजिए, डोंट हिट देम स्लोली। इफ यू हिट देम पावरफुली, इट विल गिव मोर एम्फेसिस, ओके? आई विल गिव एन एग्जांपल। इफ आई प्ले दिस लाइक स्लोली, दिस इज फाइन, बट यदि मैं थोड़ा एम्फेसिस दूंगा, प्ले देम अ लिटिल हार्ड, ठीक है? तो वो जो दैट एम्फेसिस is very important. It brings energy into the riff. ठीक है? So I will play it slowly without that emphasis. But if I bring that emphasis, ठीक है? So ये जो emphasis है, that is very important. It will bring out the energy in the riff. एंड जो थर्ड टिप है, इट गोज बैक टू द म्यूटिंग अगेन। जो हम कॉर्ड्स पे जो म्यूटिंग कर रहे हैं, ये जो म्यूटिंग है, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन नेल दिस म्यूटिंग, यू आर प्रीटी मच डन विद द सॉन्ग, ठीक है? सो आई विल गिव एन एग्जांपल वंस अगेन। तो ये जो म्यूट है, राइट, दैट म्यूटिंग हैज टू बी रियली क्रिस्प, ठीक है? एंड इसमें के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। आई वोंट से कि दिस इज अ वेरी इजी रिफ टू लर्न, ठीक है? इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, देयर आर बार कॉर्ड्स गोइंग ऑन, देयर इज अ फास्ट स्ट्रमिंग पैटर्न विथ म्यूटिंग, ठीक है?
तो आराम से प्रैक्टिस कीजिए, यू ऑलरेडी हैव द टैब्स एंड एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग. सो इफ यू एंजॉयड दिस लेसन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स. मैं और भी वीडियोज अपलोड करूँगा, एंड मैंने बहुत सारे बॉलीवुड रिफ्स के ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं. आई ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ फिंगर स्टाइल ट्यूटोरियल्स. होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल, कीप प्रैक्टिसिंग एंड लेट मी नो आपको और कौन से सॉन्ग ट्यूटोरियल्स चाहिए. इन द मीन टाइम हैव फन, बाय बाय.